today I will discuss about energy stored in charged capacitors. यानी किसी कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज. यानी एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर. तो होते क्या है जरा, एनर्जी चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड अप इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. यानी चार्जिंग में अगर किसी कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हैं और उसके चार्जिंग में जितना हमें वर्क करना पड़ रहा है, यानी जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर. और इसमें हम फार्मूला भी ड्राइव करेंगे एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, कि अगर किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल गिवन हो, कैपेसिटेंस गिवन हो, तो आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, कितना एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूले से. तो कुछ थ्योरी है हमारी इसमें, पहले सम थ्योरी हम लोग लिखते हैं. तो पहले थ्योरी इसमें क्या लिखेंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड अप इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफियर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट. यानी जो चार्ज है आपका वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट्स में ट्रांसफर हो रहा है अंटिल ईच प्लेट एक्वायर्स अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू. यानी जो प्रोसेस आपका है, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट. यानी जो चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ ट्रांसफर हो रहा है और तब तक ट्रांसफर हो रहा है जब तक कि जो आपकी प्लेट है वो प्लस क्यू चार्ज या क्यू चार्ज उस पर एक्वायर ना हो जाए, प्राप्त न कर ले. सपोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, यानी चार्जिंग की प्रोसेस जो चल रहा है आपका, वी इंक्रीज द चार्ज फ्रॉम क्यू डैश टू क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश. डी क्यू डैश स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है. यानी मान लेते हैं अगर कोई कैपेसिटर का क्यू डैश से चार्जिंग स्टार्ट हो रही है और स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज उसका डी क्यू डैश ये इंक्रीज हो रहा है तो टोटल चार्ज आपका क्या हो जाएगा, क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश. बाय ट्रांसफरिंग एन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डी क्यू डैश, यानी डी क्यू डैश जो आपका है वो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड हो जाएगा फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस. यानी अगर क्यू डैश चार्ज आपका ट्रांसफर्ड हो रहा है तो पोटेंशियल कितना होगा, ये हो जाएगा आपका वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी. ये तो पोटेंशियल आ गया. यानी किसी कैपेसिटर को जब आप चार्ज कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा हमें और वही अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर में. अब अगर हम सपोज करते हैं कि चार्ज क्यू डैश ट्रांसफर हो रहा है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी. अब जब पोटेंशियल आ गया तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, इस डी क्यू जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू डैश, इस पे हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश डी क्यू डैश. अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल वर्क डन. यानी अगर कैपिटल क्यू हमें टोटल स्टोर करना हो चार्ज,
तो हमें टोटल वर्क डन कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, जरा देखिए। ये आपका है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, फार्मूला आया है आपका वी डैश बी क्यू डैश, और यहां से वी डैश की वैल्यू ये पुट कर दीजिए क्यू डैश अपॉन सी, तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश। ठीक, अब हमें टोटल बाई चांस हमें जीरो से क्यू तक क्यू चार्ज है इतना हमें चार्ज करना है कैपेसिटर्स को, क्यू चार्ज तक जाना है, तो इसको हमें टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ये तो जो वर्क डन है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से, क्यू डैश की वजह से, लेकिन क्यू तक अगर हमें चार्ज करना पड़ेगा तब कितना वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क वो आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क डन क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करके टोटल वर्क आप निकाल लेंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो टू क्यू, यानी जीरो से क्यू तक हमें इसको चार्ज करना है, और क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश। अब जरा इसको इंटीग्रेट करिए, जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, यानी W इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वन अपॉन सी कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू क्यू डैश डी क्यू डैश, और इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं, इंटीग्रेशन हम लोग किस साइड से करते हैं, एक्स की पावर एन अगर है तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी जो इसकी पावर है वो एक इंक्रीज हो जाएगी और उसी से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका वर्क डन कैलकुलेट होके आ जाएगा, यानी W इक्वल टू वन अपॉन सी, और इसको जरा इंटीग्रेट करिए, ये हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर अपॉन टू अपॉन जीरो टू क्यू, फर्स्ट पुट अपर लिमिट एंड देन पुट लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू वन अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो अपॉन टू, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी, ये आपका वर्क डन आ जाएगा, और यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा, तो आपका एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी कैपेसिटर में कितनी स्टोर होगी, यानी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये आपका एनर्जी का फार्मूला आ गया कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर चार्ज गिवन हो और कैपेसिटेंस अगर गिवन हो तो हम लोग एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई है कैपेसिटर में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू सी वी होता है, यानी वी नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई सी, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा c इंटू वी, और इस q की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो आपके पास एनर्जी कितनी स्टोर्ड आ जाएगी, u इक्वल टू वन बाई टू q स्क्वायर है तो c स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, यानी c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, एक c आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, एक फार्मूला आपका ये आ जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड के दो फार्मूले आपके पास हो गए, एक फार्मूला क्या हुआ आपका वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी, और दूसरा फार्मूला आपका हो जाएगा
वन बाई टू सी वी स्क्वायर। ठीक इस तरीके से आपके दो फार्मूले यहां पे निकल के आ गया, यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी अगर चार्ज गिवन है कैपेसिटेंस गिवन है तब भी आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटेंस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई, और अगर पोटेंशियल गिवन है कैपेसिटेंस गिवन है तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई। तो इस तरीके से ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करके किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक अब देखिए जरा, जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो अब डिस्कस करें जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जरा देखिए कौन कौन दो टॉपिक हमारे इसमें होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दोनों के फार्मूले हम कैलकुलेट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, यानी डिस्कस अब हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और इसके फार्मूले ड्राइव करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं हम कैपेसिटेंस को, एक सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं और दूसरा पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं, और इस तरीके से इसका फार्मूला भी हम लोग ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग पहले सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं। सर्किट डायग्राम में जरा देखिए, कोई तीन कैपेसिटर आप ले लीजिए, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर एक कैपेसिटर ये ले लीजिए, दूसरा ये कैपेसिटर ले लीजिए और तीसरा ये कैपेसिटर ले लीजिए। ठीक तीन कैपेसिटर आप ले लीजिए, इसकी सेकेंड प्लेट को इसे कनेक्ट कर दीजिए, इसकी सेकेंड प्लेट को इसे कनेक्ट कर दीजिए। अब आप इसकी जो फर्स्ट कैपेसिटर हमारा है इसको जहां से हमें सप्लाई देना है इसको ए पॉइंट ले लीजिए, यहां से हमें सप्लाई देना, और जो लास्ट कैपेसिटर हमारा है थर्ड वाला उसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इसको प्लस क्यू चार्ज दीजिए फर्स्ट प्लेट को, ये माइनस क्यू ड्यू टू द इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा सेकेंड प्लेट पे, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये सी वन है इसको ले लेते हैं कैपेसिटर, सी टू और सी थ्री, और इनका पोटेंशियल क्या है वी वन वी टू वी थ्री, टोटल पोटेंशियल वी हो जाएगा आपका। ठीक यहां से बी पॉइंट है आपका ये, टोटल पोटेंशियल। तो ये तो आपका सर्किट डायग्राम हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, और सीरीज कॉम्बिनेशन में थ्योरी इसमें थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि सपोज अ थ्री कॉम्बिनेशन कंबाइंड इन सीरीज, द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर connected to a supply and the second plate of the second plate of first capacitor connected to the second capacitor of first plate, यानी इसका जो first plate है यहां से हमने connect कर दिया, इसका जो second plate है वो third जो capacitor है उससे हमने connect कर दिया जो first plate की, इसका जो second आपका जो second plate है इसकी इसके हमने फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया जो है, और जो लास्ट हमारी है जो थर्ड कैपेसिटर है उसकी जो लास्ट यानी सेकेंड प्लेट है उसको अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया जो है। ठीक
अब हमें फार्मूला ड्राइव करना है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो सभी लोग जानते हैं फार्मूला V इक्वल टू क्या आता है, क्यू अपॉन सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये प्रीवियस लेक्चर वीडियो जब हमने थ्योरी स्टार्ट की थी कैपेसिटर चैप्टर की, तो वहां पे कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और चार्ज में ये रिलेशन हम निकाल के लाए थे V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, और इसी रिलेशन से यहां पे वी वन वी टू वी थ्री कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करके हम लोग फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो यहां पर देखिए ना, वी वन क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, और V3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C3। तो टोटल पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये वैल्यू जो हमारी वी वी वन वी टू और वी थ्री की सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो वी की वैल्यू क्या है क्यू बाई सी, वी वन की वैल्यू है क्यू बाई सी वन, वी टू की वैल्यू है क्यू बाई सी टू, और वी थ्री की वैल्यू है क्यू बाई सी थ्री। ठीक, अब यहां से जरा देखिए, ये क्यू इसमें से कॉमन ले लीजिए, Q by C इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और ये Q और ये Q कैंसिल कर दीजिए, तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला निकल के आ जाएगा, यानी 1 by C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस वन अपॉन सी थ्री। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी अगर तीन कैपेसिटर आप सीरीज कंबाइन सीरीज कॉम्बिनेशन में किया है तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। इट मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल थ्री कैपेसिटेंस कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल टू द कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर, यानी 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर तीन से ज्यादा आपको ऐड करने हैं, चार पांच फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो ये आपका क्या फार्मूला आगे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको सर्किट में कैसे जानना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा सभी कैपेसिटर का, चार्ज सेम होगा लेकिन पोटेंशियल क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा, यानी वी वन प्लस वी टू प्लस वी वन वी वन वी टू वी थ्री, ये सारा डिफरेंस होगा। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले फिगर ड्रा करेंगे हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जरा सर्किट पहले ड्रा करिए कि कैसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है कलेक्ट करते हैं कैपेसिटर्स को। तो तीन कैपेसिटर इसमें भी ले लीजिए, जैसे एक आप ये कैपेसिटर ले लीजिए, ठीक है, दूसरा आप ये कैपेसिटर ले लीजिए, और तीसरा आप ये कैपेसिटर ले लीजिए। ठीक है, ये तीन कैपेसिटर आप ले लीजिए, ठीक, और तीन कैपेसिटर आप जब लेंगे इनको कनेक्ट करना है सप्लाई से, यानी ये आपका पॉइंट ए है, इसको यहां से कनेक्ट कर दीजिए, ये कनेक्ट कर दीजिए और ये कनेक्ट कर दीजिए, और यहां से आपको सप्लाई ये देनी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, यहां से यहां तक हमें कह इक्विवेलेंट जो ये बी पॉइंट, इसको यहां से कनेक्ट कर दीजिए, ये आपका बी पॉइंट है, और इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए।
ये कैपेसिटर आपका क्या है, C1, C2 और ये C3। इसको प्लस Q1 चार्ज देंगे तो इंडक्शन की वजह से इस वाली प्लेट पे माइनस Q1 चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये प्लस Q2 है आपका तो इंडक्शन की वजह से इस पे माइनस Q2 डेवलप हो जाएगा। और ये आपका क्या है, Q3 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस Q3 डेवलप हो जाएगा। और इसमें पोटेंशियल जो होगा A से B तक वो सेम रहेगा। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल जो आपका होगा, जितने भी कैपेसिटर आप कनेक्ट करेंगे सभी का पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन करंट क्या होगी इसमें डिफरेंट होगी हर एक कैपेसिटर में, क्योंकि यहां से आप सप्लाई देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होती रहेगी, तीन पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब तीनों कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस पे Q1 होगा, इस पे Q2 होगा, इस पे Q3 होगा। और अगर आप कंबाइन करते हैं कैपेसिटर तो और भी ये डिवाइड होते रहेगी, लेकिन पोटेंशियल इसमें सेम रहेगा आपका। जो अब फार्मूला हम लोग ड्राइव कर लेते हैं ना, फिर वही फार्मूला, V इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, Q/C। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C × V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट कर लीजिए, यानी Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V, Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2V और Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3V। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब यहां पे हम लोग Q1, Q2, Q3 और Q की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये क्या रहेगा, Q/C इज इक्वल टू, एक मिनट, ये आपका क्या है, Q की वैल्यू पुट करना है, यानी C × V, C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक, अब यहां से जरा V कॉमन ले लीजिए तो CV इक्वल टू V, C1 प्लस C2 प्लस C3, और V और V कैंसिल हो जाएगा तो C इक्वल टू, फार्मूला आपके पास आ जाएगा C = C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। यानी इफ थ्री द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटेंस। ओके, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, C = C1 + C2 + C3। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा फार्मूला इन सीरीज में, अभी हमने आपको कैलकुलेट करके बताया है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपका, C = C1 + C2 + C3। ठीक, तो इतना मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को, जो लोग भी हमारे लेक्चर वीडियो देख रहे हैं सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इन दोनों पे पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपका है और सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पे सर्किट डायग्राम्स के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होता है। जैसे कोई सर्किट गिवन है और उस सर्किट में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होता है, और काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, डेरिवेशंस इनका काफी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इतना ज्यादा नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन सर्किट बेस्ड क्वेश्चन इन फार्मूलों पे आते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी लेक्चर वीडियो देख रहे हैं मेरे हिसाब से ये टॉपिक उनको समझ में आ गया होगा, और जो लोग हमारी लेक्चर वीडियो देख रहे हैं उनको अगर कोई और भी टॉपिक की लेक्चर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में लिख सकते हैं कि किसी और टॉपिक की लेक्चर वीडियो चाहिए,
तो वो भी हम उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब चैनल पे अपने। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर वीडियो हमारी थी थ्योरी इस चैप्टर की इतनी ही है। अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो टॉपिक है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थ्योरी जो इस चैप्टर की थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। तो जितनी भी लेक्चर वीडियो है इस टॉपिक की, सभी लेक्चर वीडियो 2 से 3 बार आप देख लीजिए और देखने के बाद आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व जो भी करेंगे या कोई आपके पास कोई बुक हो उसके न्यूमेरिकल्स उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जब आपको थ्योरी कंप्लीट होगी, थ्योरी आती होगी चैप्टर्स की, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको, न्यूमेरिकल आना चाहिए और न्यूमेरिकल्स के बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो सारे डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट, सो डिस्कस न्यूमेरिकल ऑफ कैपेसिटर चैप्टर्स। थ्योरी इसकी हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें सर्किट डायग्राम के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का कुछ आपको फार्मूला ड्राइव करके बताया है। तो अब हम लोग जरा डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। और न्यूमेरिकल्स इसमें कौन कौन से हैं जरा देखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अज्यूमिंग द अर्थ एज एन इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। यानी आप अर्थ जो है इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको अज्यूम करिए जिसकी रेडियस है 6400 किलोमीटर और उसका कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 इन द सर्किट शोन एट द एंड गिवन पोटेंशियल। यानी ये सर्किट शो किया गया है और इसमें आपको C2 पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है या एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करना है। यानी जो C2 आपकी है, ये जो कैपेसिटर है इसमें आपको एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, एट ए पे 90 वोल्ट है पोटेंशियल गिवन है एट ए पे। C1 जो कैपेसिटेंस है उसके 20 माइक्रोफेरेड वैल्यू है, C2 आपका जो है वो 30 माइक्रोफेरेड है और C3 है आपका 15 माइक्रोफेरेड। थर्ड न्यूमेरिकल आपका देखिए क्या है, 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर बिलो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। और ये आपका सर्किट डायग्राम शोन है जिसमें 4 कैपेसिटर आपके कनेक्टेड है, 2 माइक्रोफेरेड का, 3 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो इस तरीके से आपके जो है ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 करके। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जरा उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ को आप ये अज्यूम करना है कि इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है और उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है।
कैपेसिटेंस का फार्मूला आप स्पेरिकल सरफेस का जानते होंगे। जब हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को पढ़ाना और वहां पे हमने स्पेरिकल सरफेस का कैपेसिटेंस का फार्मूला कैलकुलेट किया था और वो फार्मूला था आपका C इज इक्वल टू 4 पाई एप्साइलन नॉट ए, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ स्पेरिकल सरफेस। यहां पे जो स्मॉल ए था वो स्पेरिकल सरफेस की रेडियस थी। अब वैल्यू जो गिवन है उसको पुट कर दीजिए। यहां पे स्मॉल ए की वैल्यू कितनी गिवन है? ये गिवन है 6400 किलोमीटर। इसको जरा मीटर में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 6400 इज 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 6.4 इंटू 10^6 मीटर। ये तो आपने मीटर में चेंज कर लिया रेडियस को इसकी। इसके बाद जरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहां से लाएंगे? ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक, ये सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। यहां से इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 πε₀ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/9 × 10^9 और ये आप वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए इस फार्मूले में और कैलकुलेट कर लीजिए कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू पुट करिए, 1/9 × 10^9 इंटू 6.4 × 10^6। ठीक, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास 10^9 ऊपर ले जाइए, ये जाएगा 10^-9 6.4 × 10^6/9 और ये इसको जरा पहले पावर्स को सॉल्व करिए तो 6.4 × 10^-3 हो जाएगा ये / 9। इसको जब आप डिवाइड करके लाएंगे तो ये हो जाएगा C इक्वल टू 0.711 × 10^-3। ये आपके पास वैल्यू C की आ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.711 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2। ये इसका आपका फार्मूला आ जाएगा, जो है वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, यानी C इक्वल टू कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। अब इसको अगर आपको फैरड में निकालिए, आपकी जो वैल्यू है हमारे पास फैरड में कैलकुलेट करनी है तो ये इसको फैरड में लिख दीजिए जरा, फैरड और माइक्रो फैरड में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपका C इक्वल टू 0.711 × 10^-3 फैरड, और जो माइक्रो फैरड में इसकी वैल्यू आएगी C इक्वल टू 711 माइक्रो फैरड। ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा कैपेसिटेंस का, आपके कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहां क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है जरा देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका जो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स C2 इन द सर्किट सोल गिवन पोटेंशियल। पोटेंशियल गिवन है आपका और पोटेंशियल गिवन के बाद आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, यानी ये आपके पास
ए पॉइंट है, इसमें तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये अर्थ से कनेक्ट किया गया है, ये सी वन है, सी टू है और सी थ्री है। पोटेंशियल ए पे दिया हुआ है, वी दिया हुआ है 90 वोल्ट, सी वन की वैल्यू गिवन है आपके पास 20 माइक्रोफेरेड, सी टू की वैल्यू गिवन है आपके पास 30 माइक्रोफेरेड और सी थ्री की वैल्यू गिवन है 15 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन चार्ज क्या है, सेम है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जरा कैपेसिटेंस निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/50। अब इसका जरा एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 60 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 60 और ये आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 59 यानी 9/60। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू 60/9 और इसको जरा डिवाइड कर दीजिए तो ये C इक्वल टू आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 20/3 माइक्रो फैरेड। ठीक, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला C इंटू वी और C आपके पास कितना आया है 20/3 और V कितना है आपका 90। तो ये आ जाएगा आपका 600 आपका आ जाएगा माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। तो दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, एक हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया यानी कितना आया 600 माइक्रो कूलम। ठीक, ये दो चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है C2 पे वर्कडन कितना होगा, तो पहले हम V2 कैलकुलेट कर लें, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें जरा V2, यानी V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C2, यानी V2 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C2 और Q की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 600 और C2 की वैल्यू क्या गिवन है 30, डिवाइड कर दीजिए तो ये V2 इक्वल टू आ जाएगा 20 वोल्ट आपके पास निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया और चार्ज कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद V2 यानी कैपेसिटेंस सेकंड पे C2 पे पोटेंशियल कितना होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी C2 V2 इज इक्वल टू आपका आया है कितना 20 वोल्ट। और हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन एट C2, वर्क डन कैलकुलेट करना है C2 पे जो है, तो वर्क डन या स्टोर्ड एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, यानी स्टोर्ड एनर्जी क्या निकालना है आपको, निकालना है आपको स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर C2। तो C2 पे आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C V स्क्वायर,
अभी हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था, और यहां पे C2 पे निकालना तो C2 रख दीजिए, V2 पोटेंशियल तो 1 बाई टू, C2 कितना है हमारे पास 30 इंटू V2 कितना आया हमारे पास 20 इंटू 20 क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए ठीक, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 400, तो ये हो जाएगा, ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा यानी 6000 जूल। इसका मतलब U इक्वल टू आ गया 6 × 10³ जूल। ये आपका आ गया V2 पे आपका पोटेंशियल जो है स्टोर्ड एनर्जी जो कैपेसिटर सेकंड था, यानी V2 जो थी हमारी C2 जो कैपेसिटर था उस पे वो एनर्जी कितना स्टोर करेगा 6 × 10³ जूल ठीक। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका सर्किट शो किया गया है, और सर्किट में यहां पे पॉइंट आपका है पी, और इसमें चार कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस तरीके से चार कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये आपका जो है क्यू है ठीक है इस तरीके से, और ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है क्वेश्चन नंबर थ्री में, और ये 5 माइक्रोफेरेड है, और ये 10 माइक्रोफेरेड है ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैलकुलेट करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां पे है और कहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां पे होगा, जहां पे पोटेंशियल सेम होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन कहां पे होगा, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अब यहां पे देखिए रहा, यहां से सप्लाई आप दे रहे हैं तो ये डिवाइड हो रहा है। अब ये जो पोर्शन है ये पैरेलल का, यानी 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड, इसको जरा ओपन अगर स्ट्रक्चर बनाए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस तरीके से ये बन के आएगा स्ट्रक्चर आपका। अगर आप ओपन इसको, ओपन सर्किट इसका बनाइए इस तरीके से, ये आपका 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 5 माइक्रोफेरेड, और ये जो 10 माइक्रोफेरेड यहां पे आपका क्यू, ये 10 माइक्रोफेरेड, ये पॉइंट आपका पी और ये क्यू हो जाएगा। तो ये तीन आपके कौन हुए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, और इसके साथ क्या हुआ, ये सीरीज हुआ। तो पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर निकाल लेते हैं और उसके बाद सीरीज का निकाल लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला जानते होंगे क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ये क्या होता है सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 + 3 + 5, ये हो जाएगा 10 माइक्रोफेरेड, यानी इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो कितना आया 10 माइक्रोफेरेड। और इसके बाद जरा देखिए इस 10 के साथ जो आपका आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी 1/C- इसको कर लीजिए तो 1/C + 1/C4 कर दीजिए, ये C4 था, और वैल्यू पुट कर दीजिए 1/10 + 1/10 इक्वल टू 2/10 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/C- इक्वल टू 1/5, तो C- इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका आ गया। तो ध्यान दीजिएगा सर्किट सॉल्व करने के टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे कि कौन से कैपेसिटर्स हैं हमारे जिनमें सीरीज कॉम्बिनेशन है, और कौन से कैपेसिटर्स ऐसे हैं जिनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन का
फार्मूला अप्लाई करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा और काफी इंपॉर्टेंट है ये। कई बार ये सर्किट्स आपके आते हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं ये, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, इनको और भी क्वेश्चंस आपके पास हो उनको सॉल्व करिएगा, सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और जो न्यूमेरिकल्स आपके पास दोस्त होंगे उनको सॉल्व करिएगा। लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले आप थ्योरी हर चैप्टर की कंप्लीट होना चाहिए, यानी जिस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस चैप्टर की पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, और जब थ्योरी कंप्लीट होगी तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो थ्योरी कंप्लीट करने के लिए जितनी भी लेक्चर वीडियो आपकी हैं उन लेक्चर वीडियो को देख डालिए, दो से तीन बार देख डालिए, तो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस कॉपी पे करके देख लीजिए अपनी, तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। फार्मूले स्टेप बाय स्टेप आपको याद होने चाहिए जितने भी हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करिए, और जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे आप उतना ही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जिस चैप्टर के जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उतना ही उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना कंपलसरी है, हर एक चैप्टर के जो भी चैप्टर है उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करना कंपलसरी है। तो ध्यान दीजिएगा, आज इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे नई लेक्चर वीडियो में। तो आज इतना ही, थैंक यू।